भुलाए खातिर गम दारू पी ले। कितने दिनों से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप गाना गाते हैं? और गायकी तो मैं स्कूल से करता हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा कि आज जो है भोजपुरी गायक संदीप परदेसी के घर आज हम जाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे संदीप परदेसी की, उनसे कुछ बातें करेंगे, उनके जर्नी जानेंगे, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा, आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं घर पे हूँ, मस्त नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, यहाँ पे 10 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ उनके घर। तो प्लीज वीडियो का लास्ट तक बन रहिएगा। मैं संदीप परदेसी के घर पे आ चुका हूँ, देखिए यहाँ पे बाइक अपना ला कर रखे हैं और कहीं जा रहे हैं रिलेशन में, ये उनका घर है। तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। अभी मैं आ चुका हूँ भोजपुरी गायक संदीप परदेसी के घर पे, जो कि इनका हम आज लेंगे इंटरव्यू। और पिछले वीडियो में इनका मैं घर दिखाया था, तो आज दूसरा वीडियो इनके साथ हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं और कितना गाना गा चुके हैं और मतलब और सारी चीज़ें इनसे हम खुद जानते हैं। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सबको प्रणाम, जितने लोग इस ब्लॉग चैनल को देख रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे परम मित्र हैं धनंजय भाई, और बहुत ज़्यादा दिन से परिचय है भैया से, और काफ़ी दिनों के बाद हम सभी मिले हैं। लमसम साल दो ढाई साल हो गया, दो ढाई साल के बाद जो है मिले हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं मैं इनको दूंगा कि ब्लॉग चला रहे हैं और इनका चैनल ग्रोथ में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इनके वीडियो को हर सारे वीडियो को देखिए। और इनके वीडियो के लिए मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए पिछले एक हफ्ते से हमको बुला रहे हैं अपने घर पे, मतलब कभी फ़ोन करते, कभी यहाँ पर स्टेट शो कर रहा हूँ, तो कभी यहाँ पर दिखाया हूँ एल्बम गाने के लिए, मतलब काफ़ी दिनों से। आज भी ये जा रहे थे कहीं, बाइक इनके द्वार पर लगाया वीडियो में, तो आज भी मतलब इनके रोके, अभी अपने जा रहे कहीं रिलेशन में, तो आज थोड़ा हमारे लिए समय दिए हैं तो इनसे जानेंगे। तो आप कितने दिनों से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप गाना गाते हैं? और गायकी तो मैं स्कूल से करता हूँ, लमसम हो गया 3.5 साल हो गया मुझे गायकी करते हुए। पहले स्कूल में गाया करता था, जब छोटा था तो स्कूल में धीरे धीरे गाया, और स्कूल में गाते गाते पहला मेरा जागरण का पहला कार्यक्रम मुझे पठान पठी गांव में मिला था। हमारे एक राइटर थे सर्वेश कुशवाहा जी, उनके द्वारा वो कार्यक्रम मुझे मिला था। वहीं से धीरे धीरे आगे प्रोग्रेसिंग करता रहा, तैयारी भी करता रहा। तो अब तक आप कितने मतलब एल्बम आ चुका है? मतलब पता नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, वो भी 150-200। हाँ, 200 के आसपास हो गया है। तो अभी मतलब तब कोई मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी हीरो या हीरोइन के साथ आपका कोई एल्बम सॉन्ग या कुछ भी? फिल्म में काम करने का मौका मिला है। मौका मिला है, कौन सा? हाँ, मतलब बता सकते हैं फिल्म का नाम? यश कुमार जी का फिल्म शूटिंग होने वाला है गोरखपुर में, तो उसी में मुझे काम मिला है। तो कार्यक्रम की वजह से मैं अभी जा नहीं पाया हूँ। शूटिंग चालू है वहाँ पे, तो इनको जो है कि फिल्म में काम करने का मौका मिला है, बहुत ही मतलब हम लोग भी खुश हैं, क्योंकि भाई पिछले 3.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। कुमार की जो मूवी आने वाली है, नाम तो हमें भी नहीं पता है, बट हम नाम पहले बताया भी नहीं जाता है, तो अभी गोरखपुर में शूटिंग चल रही है, फिर उसमें इनको काम मिला है, तो ये काम करेंगे, बहुत ही खुशी की बात है। पहली बार ये जा रहे हैं मतलब मूवी में काम करने के लिए। और सॉन्ग इनको तो मतलब बहुत ज़्यादा है, भक्ति और हिंदी सॉन्ग, देशभक्ति और भी होली का, मतलब हर एक त्यौहार का इनके जो कि इनका सॉन्ग आता रहता है सीरियल बाई सीरियल। और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर 12,000 सब्सक्राइबर हैं, और इनका जो है कि बहुत अच्छे, इनका दो गाना वायरल भी हुआ था, एक यूपी का कोयलिया आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जाकर सुन लीजिएगा, और इनके चैनल का भी लिंक है। तो बस यही बातें थी, और इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि आगे इनका क्या मतलब मकसद है। तो आगे फिर कॉमेडी सॉन्ग आने वाला है, जिसे पब्लिक का कुछ कमेंट आया था कि कॉमेडी सॉन्ग संदीप जी बनाइए, तो कॉमेडी सॉन्ग की तैयारी चल रहा है। और लमसम तबीयत खराब हो जाने से पटना नहीं जा पाया हूँ, लेकिन 2-4 दिनों में पटना निकलने वाला हूँ, वहीं से एल्बम आएगा पटना से। आप कौन कौन से म्यूजिक कंपनी में काम कर चुके हैं अब तक? और जैसे रागनी म्यूजिक हुआ, गोपालगंज का हुआ, मीरगंज में है रसिया म्यूजिक हुआ, फिर गोरखपुर से मुन्ना मिश्रा जी के पास अपडेट म्यूजिक, मैं ढेर सारे 10-12 चैनलों से और कंपनियों से काम कर चुका हूँ। पर्सनली इस टाइम अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। इनका खुद का यूट्यूब चैनल में जैसे बताया क्या है, और अभी पिछले 1-2 महीने हुए मोनेटाइज हुआ है हाल ही में, और मोनेटाइज हुआ है तो अभी तक अर्निंग कुछ यूट्यूब से हुआ है आपका? और ये तो नहीं बता सकता, अर्निंग जो है मतलब कुछ हुआ है ये नहीं? हाँ हाँ हुआ है, मतलब अर्निंग वो तो कोई नहीं बताता है यूट्यूब का। तो अभी इनका हाल ही में 2 महीना हुआ यूट्यूब चैनल जो है कि इनका मोनेटाइज इनेबल हुआ है, और ये उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं। इनका जो है कि मतलब वैसा कुछ बड़े भी नहीं है, हम भी बड़े बहुत ही गरीब दोनों लोग हैं, मतलब तो स्ट्रगल है लाइफ में, पिछले 3.5 साल से कर रहे हैं हम, तो अभी नया स्टार्ट किए हैं चैनल, तो बोलना चाहेंगे। और तो सब चाहे आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भाई और चैनल को सपोर्ट करें। हमारा भी चैनल का लिंक आप दे दीजिएगा अपने? हाँ दे दूंगा, न्यू सॉन्ग आने वाला है उसमें मैं दे दूंगा।
ये इनका जो आज 29 अगस्त है और इसमें इसके बाद जो भी इनका गाना आएगा 2-4 उसमें मेरा चैनल का लिंक रहेगा, उसे प्लीज देखिएगा इनके, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं 12,000, अभी मेरे पास 150 हैं, तो बहुत ही कम इनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी इन्होंने बहुत चीज़ की। तो आने वाला आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? आने वाले देवी गीत का प्रोजेक्ट है और कॉमेडी सॉन्ग का है, कुछ सैड सॉन्ग है और ज़्यादा से ज़्यादा माँ के प्रति 2-4 गीत हैं। तो अब तक आपके कितने गाने वायरल हो चुके हैं? वायरल यूपी की कोयलिया एक हुआ है, बचपना में एक याद करा जाइए कुंवर लू, उस धुन पे मैंने गया था। अच्छा। तो वो वायरल हुआ था। फिर रामकोला की मिल प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम वायरल चल रहा है अभी। हाँ, यूपी वाला पुदीना। तो रामकोला का जो है कि रामकोला की मिल इनका सॉन्ग आया ना है जो वायरल चल रहा है, वो भी जाकर सुन लीजिएगा। और एक यूपी का पुदीना आया जो कि ये भोलेनाथ जी का ना ऐसा कुछ था, तो सावन में का गाना इसे बहुत अच्छा मैंने सुना, मतलब शूटिंग भी मैं देखा हूँ, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छा गाना, उसे जाकर जरूर सुनिएगा। मैं लिंक सारे गाना का जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और कुछ नहीं तो इनका जो पिछला वीडियो मैं बनाया हूँ घर वाला, संदीप भोजपुरी का संदीप परदेसी का घर, वो मैं दिखाया हूँ पिछले वीडियो में, प्लीज़ उसे जाकर देखिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अभी इनसे कुछ और बातें नहीं करना, इनके फ्यूचर के बारे में कुछ जान लेते, इनकी फैमिली कौन कौन है? और फैमिली में तो माता जी हैं, भाई हैं और 3 बहनें हमारी हैं। पिताजी गुजर चुके हैं लमसम, वो 4 साल पहले गुजर चुके हैं पिताजी। इनके पहले भी इनके मम्मी है, इनके पापा नहीं है, जो कि हमें पता था 2-3 साल पहले वो मतलब नहीं है दुनिया में, तो इनके लिए बहुत मतलब हम नर्वस हैं। और इनके भाई एक ही भाई है ना आपके, एक भाई, इनके बड़े भैया भी बाहर रहते हैं और इनकी भाभी मतलब इनके भैया का शादी हो चुका है अभी, वो अपने घर पर, इनकी भाभी और इनकी 3 बहनें हैं वो भी अपने अपने घर पर ना सभी लोग। बस यही है कि कुंवारा हैं अभी और इनका भी शादी जल्दी होगा, लेकिन इतनी अभी ये लाइफ पर अपने फोकस कर रहे हैं, शादी वगैरह छोड़िए साइड में, अभी ये लाइफ पर पूरा फोकस कर रहे हैं कि अपने लाइफ में इनको कुछ बड़ा अचीव करना है। तो आप भी प्लीज़ इन्हें हेल्प कीजिएगा, इनके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों का, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, और हेल्प कीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? अपने ऑडियंस से यही कहना है कि आप सभी भाई को सपोर्ट कीजिए, जिस तरह मुझे सपोर्ट किए हैं, 12,000 मेरा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, भाई को भी मेरे सपोर्ट करिए कि इनका भी सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और मेरे ऊपर भी सदा आशीर्वाद बनाए। और इनका जल्द से हम मेरा तो हो ही जाएगा, बट इनका भी 50,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए कि मैं फिर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आऊँ। तो हेल्प कीजिएगा आप लोग से, हम हैं और हम लोग से आप है, बस आप लोग का प्यार चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करने से पहले मैं इनके मतलब जुबान से एक मतलब अच्छा सा कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर तो भोजपुरी नहीं गाएंगे, मतलब घर पे हैं तो एक लव स्टोरी सॉन्ग इनसे सुन लेते हैं मतलब अच्छी। तो आप अपने ऑडियंस के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा कोई सॉन्ग सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल, आइए। एक छोटा सा जो है, आजकल बच्चों को जो है दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, उसी तरह एक लड़के का दिल टूटा है, वही कह रहा है कि तुर भुलाए खातिर गम दारू पी ले, आके देखा ये सनम कैसे जी ले। और ज़्यादा नहीं सुना सकता तो उनके देखा आपने कितना मतलब अच्छा सॉन्ग था। अगर सॉन्ग आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग को मैं यही पे एंड करता हूँ, बस फिर मिलेंगे किसी कमाल की वीडियो, तब तक के लिए बाय।